विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रमुख प्रवीण तोगड़िया के द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा पर किए जा रहे जवानी हमले के बाद राजनीति में चर्चा का दौर जारी है। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने भी प्रवीण तोगड़िया के मामले पर चुटकी लेते हुए केंद्र सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं पठानिया ने हिमाचल की बीजेपी सरकार पर भी 100 दिन के अंदर पारदर्शिता लाने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि 100 दिन में कोई भी काम सही नहीं हो सकता और यह एकमात्र दिखावा करने की राजनीति की जा रही है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है और बीजेपी नए नए सगुफे छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमपी के खिलाफ भी आरोप लगे हुए हैं। पहले एमपी के मामले में बीजेपी ठोस कार्यवाही कर ले, बाकी 100 दिन के एजेंडे की तो बात अभी दूर है। अखबारों के माध्यम से प्रवीण तेवड़िया का बयान आया, जो विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष रहे हैं, आज ये लगता है कि इनके वो एक भाजपा का एक साथी रहा है, एक संगठन वो, लेकिन आज का उसका अध्यक्ष जिस तरह भागा भागा और फिर रहा है और अपने आक्षेप जो इस सरकार के ऊपर इनके प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहा है, इससे लगता है कि अगर इनके सहयोगियों का ही हाल है तो हिंदुस्तान में आम आदमी सुरक्षित नहीं हो सकता है। आए दिन कोई ना कोई प्रधानमंत्री या इनकी पार्टी की तरफ से कोई नए नए सगुफे, नई नई बातें निकाल के जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, उनके ऊपर कोई इनका कोई अंकुश नहीं है। 50 रुपये किलो है, आलू पूरे पंजाब में लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया है, इन चीज़ों पर उनका कोई नहीं है। नए नए कोई ना कोई जो नई चीज़ तलाश के पिछली चीज़ों को भुला के काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले कल में जो इकोनॉमिक स्थिति है सरकार पर देश की, वित्तीय संकट जो है और ज़्यादा उभरेगा, जिससे आम लोगों को उससे परेशानी होगी, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगी और रोजगारों को नौकरी में बचाने की मुश्किल हो जाएगी। देखो, जब भी नई सरकार आई है, इसको मुबारकबाद है, जब भी नई सरकार आती है तो वो अपने तरीके से काम करने का प्रयास करती है। इन्होंने भी 100 दिन का एजेंडा दिया है, अब देखते हैं कि 100 दिन के एजेंडे में कितनी पारदर्शिता लाते हैं। सबसे बड़ी पारदर्शिता जो इनका जो एमपी के खिलाफ जो चार्ज फ्रेम हुए हैं उस पर पारदर्शिता ला रहे हैं, तो हम समझेंगे 100 दिन में कुछ आएगा। अब 20 दिन में वो पारदर्शिता लाए तो 100 दिन में क्या लगाएंगे, उससे साफ पता लगता है कि इनका किस राजनीति का डंडा है, कुछ लोगों के विकास की तरफ ध्यान नहीं होगा। अगर पारदर्शिता लानी है तो उस एमपी के खिलाफ कार्य करे।